हम लोग कहीं ना कहीं से किसके गुलाम हो चुके हैं। हम कहाँ जाते हैं अगले दिन गूगल पूछता है कैसा लगा मुंबई एयरपोर्ट। गूगल मैप को आप बेवकूफ बना सकते हैं। आप बाल्टी में मोबाइल रख लीजिए 30-40 ठो और सबका मैप खोलकर सड़क पे रख दीजिए, पीछे वाले सबको क्या दिखाएगा, जाम लगा। देखिए टैरिफ क्या होता है। अगर हमें कोई विदेशी सामान महंगा करना है तो हम उस पर टैक्स लगा देते हैं। जब विदेशी देश के सामान पर टैक्स लगाते हैं तो उसे टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ। और हमारे ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स। हालांकि जनरल भाषा में सबको लोग क्या कहते हैं? टैक्स ही कहते हैं, कि ओवरऑल बतिया तो बराबर है, लेकिन विदेश वाले लोग को क्या टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टैरिफ। ये टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि विदेशी कंपनियां हमारे मार्केट को कैप्चर करके ख़त्म ना कर सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हमारे देश में इंटरनेट की दुनिया बहुत पीछे थी, इसलिए पैसा का कमी नहीं था, गूगल के पास आया छाप गया गूगल। आज आप गूगल को कम्पीट नहीं कर सकते। जीमेल गूगल का, गूगल क्लाउड गूगल का, गूगल ड्राइव गूगल का, मैप गूगल का, यूट्यूब गूगल का, क्रोम गूगल का, डीओ जो गूगल डीओ वीडियो कॉलिंग के लिए गूगल का, गूगल पे गूगल का, हर चीज गूगल फोटो सब चीज डाल दिया किस पे? गूगल पे। मेल गूगल। और इतना नक्शा तो बता रहे ना आपको। सोचिए हम लोग कहीं ना कहीं से किसके गुलाम हो चुके हैं। हम कहाँ जाते हैं अगले दिन गूगल पूछता है कैसा लगा मुंबई एयरपोर्ट, ओकरा कैसे पता चल गया? जहाँ आप नक्शा खोलेंगे तो उस एरिया का अच्छा चीज हो के गुजरेंगे, फेमस चीज तो पूछ देगा। आप अपने गूगल का लोकेशन ऑन करके आइएगा कोचिंग पे, फिर घर जाइएगा ना तो नीचे वाले के रेटिंग पूछेगा, हाउ यू लाइक खान जी एस रिसर्च सेंटर, तुरंत पूछेगा। यहाँ पे गुगरा को कैसे पता चल गया कि आप खान सर के आए थे? उसकी मशीनरी इतनी तगड़ी है जिसका कोई हद नहीं, तो पूरा का पूरा आपको जाल बढ़ा के रख दिया। आज अगर हम लोग एक गूगल के जगह पे नया मैसेजिंग मेल ऐप लाते हैं, मेलिंग ऐप, कोई नहीं पूछेगा। एक नया नक्शा लाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। और जब कोई उसे पूछेगा नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, तो रिसर्च नहीं होगा। गूगल मैप भी पहले बहुत खचरा था, कहीं घुसा देता था, गढ़ा गुड़ाई में घुसा देता था, आज वो कभी कभी कूदा देता है। हम झारखंड जा रहे थे तो हमको एक भैंस के तबेला में घुसा दिया कोरा की दाहिने घूमिए, हमको पहले ही संदेह हुआ कि दाहिने घुसने के पे गांव वाला सीन आ रहा था। भाई हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, कम से कम सड़कें ठीक ठाक रहेंगी और आवागमन ठीक ठाक रहेगा, वो सड़क जो होगी तो गांव से घुसा, हमको लगा यार शॉर्टकट ले जा रहा है। वो गांव में घुसा उसके आगे ले गया भैंस का तबेला था वहां में, हम कहे यार गलती लेके चलाया। बाद में फिर आदमी गांव वाले से पूछा, तो कभी कभी गलत करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी सुधार देगा। गूगल क्या देखता है वो बता देगा, जाम लगा है कि नहीं, क्योंकि जितने लोग नक्शा मैप खोले होंगे अगर उनका स्पीड धीरे है तो पीछे वाले को बता देगा कि स्पीड आगे जाम लगा हुआ है। समझ में क्या? गूगल मैप को आप बेवकूफ बना सकते हैं। आप बाल्टी में मोबाइल रख लीजिए 30-40 ठो और सबका मैप खोलकर सड़क पे रख दीजिए, पीछे वाले सबको क्या दिखाएगा? जाम लगा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक के जगह इतना रख लीजिए ना, क्या बताएगा? जाम लगा हुआ है वहाँ पे, सबको जाम बता देगा। वो एक दूसरे से ही सीख रहा है वहाँ पे। हर जगह कब्जा कौन कर लिया है? गूगल ही कब्जा कर लिया है। आज के हम लोग गूगल को कम्पीट कर सकते हैं? नहीं। टिकटॉक बहुत कूद रहा था, निकाला यूट्यूब शॉर्ट, कुल इधर शिफ्ट हो गया सब। हालांकि टिकटॉक में तो खाली नचनी भरल था सब। चलो आगे समझते हम लोग। तो विदेशी व्यापार को रोकना भी एक तरह से बहुत जरूरी है। आप जब तक सीखिए सीखिए कि वो आके एकदम छाप जाता है। आज गूगल मैप नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, वो बता देता है गूगल मैप। धीरे धीरे गूगल के पास पैसा आने गया, वो उसमें सुधार कर दिया, पूछता है कि पैदल मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि फोर व्हीलर से जा रहे हैं, कि रास्ता भी डिपेंड होता है। मोटरसाइकिल कहीं से निकल जाता है, फोर व्हीलर कहीं नहीं निकलता। तो जब भी फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो मैप के साथ साथ वो गाड़ियों सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वो भाप जाता है कि इधर से फोर व्हीलर जा रहा है कि नहीं। उसको कैसे पता कि अगर कोई व्यक्ति पहले फोर व्हीलर सेलेक्ट करके उसी रास्ते से गया होगा तो आपको भी वही रास्ता बताएगा,
वो मैक्सिमम देखता है कि कितने किस रास्ते से गए हैं लोग, उसी का एवरेज निकाल के पीछे वाले को बता देता है। तो हम लोग आज कभी भी गूगल को अभी उस स्थिति में नहीं है जो कॉम्पिटिट कर सके। हमारा सारा डाटा किसके पास है? गूगल के पास है। मेल का, मेल में क्या रखे हैं, ड्राइव में क्या रखे हैं, सारा चीज किसके पास है? गूगल। आज कंपटीट कर सकते हैं नहीं, इसलिए उसे रोकना के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? टेरिफ, ताकि वो चीज़ें महंगी हो जाए। टैक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। जैसे भारत का अभी के वक्त में ईवी में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका रिसर्च चल रहा है, इसमें ओला के स्कूटी आए हैं, हालांकि उसमें कुछ आग उग लगने की समस्या है, तो धीरे धीरे इनोवेशन से सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे टाटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आते हैं चार्ज करके चलते रहिए, उसमें टाटा काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगे होते हैं, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, और जो कंपनी पहले से इसको रिसर्च कर रही है जैसे टेस्ला, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। अगर वो आ गया तो पक्का समझ जाइए कि बाकियों को कंपटीट करने नहीं देगा वहाँ पर। अब भारत सरकार इस पर टैरिफ लगाएगी, कहेगी कि अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाएंगे तो आप पर लगाएंगे हम 28% टैक्स। कितना परसेंट? 28। और बनल बनावल ले आके बेचिएगा तो 100%। आप बताइए बाहर से बना के लाएगा तो कौन लाएगा? तो टेस्ला ला रहा था, चाइना में फैक्ट्री डाला और सोचा इंडिया में बेचेंगे, थमा दिया। कितना परसेंट टैरिफ? कितना परसेंट? 100%। ठीक किया कि नहीं किया? ले आके बेचा। अच्छा अगर इंडिया में प्लांट डाल देगा तो 28। इससे फायदा क्या होगा? उसका जितना फैक्ट्री में उत्पादन होगा किसकी जीडीपी में? भारत। टैक्स किसको देगा? भारत। रोजगार? भारत। और जिनको जिनको रोजगार दिया है, जब उनको नौकरी से निकालेगा तो खोजेगा सर टेस्ला से है, टाटा हमको रखोगे? कहेगा और ये तोरे खोज रहे थे, आ यहाँ पे बता बता कैसे कैसे बन रहा था वहाँ पे। अगर भारत में बनने लगेगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके घर के मान के चलिए आप ही किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइडिया हो ही जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए टेरिफ लगाया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टेरिफ। विदेशी चीज़ों पर टेरिफ लगाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है यहाँ पर।